नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस वक्त हम गांव ननपुरा के अंदर पहुंच चुके हैं और एक स्कूल है, स्कूल में चलेंगे हम और स्कूल का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और स्कूल जो है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक ही आ चुका है। ये ग्राम पंचायत ननपुरा है, इसके अंदर हम पहुँच चुके हैं। हाँ, क्या नाम है जी आपका? गौरव कुमार। इसी गांव के रहने वाले ननपुरा के जी। तो किस टाइम से यहाँ ध्वजारोहण किस टाइम? वैसे तो टाइम तो 9 बजे का। अच्छा, और पता लगेगा कि विधायक साहब आ रहे हैं। विधायक साहब आ रहे हैं और फिर 9 बजे का टाइम। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे इस स्कूल में? 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे हैं ये, मतलब प्राथमिक है या उच्च प्राथमिक? दोनों के मिला दूँ। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, स्कूल का जो गेट है उसके अंदर से हम चल चुके हैं और 15 अगस्त का दिन है। अभी फ़िलहाल जो है वो बच्चे खड़े हुए हैं और टीचर भी हैं काफ़ी यहाँ पर। तो यहाँ से पूरा नज़ारा आपको हम दिखाएंगे और स्वतंत्रता दिवस की जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु जी राम राम। ठीक हो जी? और किस टाइम है ये 2000 रोहन? 9 बजे होगा। 9 बजे होगा। तो कोई बाहर से भी आ रहे हैं क्या, विधायक वगैरह आ रहे हैं? अच्छा, काफ़ी मेहमान आ रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ा बंदोबस्त किया हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, गुरुजी यहाँ पर मिले थे जो बता रहे हैं काफ़ी बच्चे तो हैं ही यहाँ, जितने भी हैं दिख रहे हैं, कुछ बच्चे भी आ रहे हैं पीछे से और काफ़ी लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया है यहाँ आने के लिए। तो गुरुजी राम राम। ठीक हो? और बढ़िया बढ़िया जी। यहाँ जो है वो कुछ लोग बैठे हुए हैं और अभी हम इनसे भी जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। राम राम जी। सभी बुजुर्गों को आमंत्रित किया हुआ है, बुजुर्ग आए हुए हैं मतलब यहाँ झंडा 2000 रोहन में। क्या नाम है जी आपका? रामचरण। रामचरण, अच्छा जी, अच्छा। ठीक है जी, आपका क्या नाम है जी? देविंदर सिंह। देविंदर सिंह। तो आमंत्रित किया स्कूल के टीचरों ने या ग्राम प्रधान जी ने? आ गए, मतलब आप खुशी के साथ मना रहे हैं। आप कहाँ से आए जी? इसी गांव के रहने वाले? अजीतपुरा। अजीतपुरा से आए हो? तो किस टाइम हो रहा प्रोग्राम शुरू? 8 बजे। 8 बजे हो रहा, तो 8 तो बज गए शायद। आप कहाँ से आए जी? खेड़े से। खेड़े से आए हो? अच्छा, 8:30 बज गए। तो और कोई जी बात करना चाह रहा? चलो जी, ठीक है। प्रधान जी खड़े हुए हैं इधर, प्रधान जी खड़े हुए हैं। हाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ जो है वो काफ़ी दूर से लोग पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मणिराम। तो मणिराम जी, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बढ़िया लग रहा। पहली बार आए हो? पहले भी गए हो कभी? पहली बार है। चलो जी, ठीक है। तो कुछ जो है वो यहाँ पर एक गुरुजी भी बैठे हुए हैं और गुरुजी इधर देखिए आप। तो गुरुजी कैसा महसूस हो रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव अच्छा तरीके से मना रहे हो, मतलब बढ़िया चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी अच्छा माहौल बता रहे हैं। और ये भी प्रधान रह चुके हैं इस गाँव के पहले, तो प्रधान जी आपने तो काफ़ी 2000 रोहन किया होगा अपने कार्यकाल, तो पहले में और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं आपको? ऐसा आज लो नहीं होया, मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जो पुराने प्रधान हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे और इधर आप देख सकते हैं ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी, जी। तो कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे हर वर्ष ये 15 अगस्त मनाया जाता है, पहले में और अब में अंतर दिखाई दे रहा है? काफ़ी अंतर है। प्रधान जी मतलब काफ़ी अच्छे उत्सव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चटाई बिछाई हुई है और जो मेहमान हैं उनको आमंत्रित करने के लिए, मतलब यहाँ पर घूड़े वगैरह और मेज़ वगैरह भी रखी हुई हैं और कुछ लोग इधर भी चेयर डाली हुई हैं, लेकिन अभी कुछ खाली हैं, कुछ लोग आएंगे। और जी ठीक ठाक हो? कि आप देख सकते हैं दूसरी ओर मैं बात करके आ चुका हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब इसी स्कूल के अंदर हूँ, ग्राम पंचायत ननपुरा में। तो यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रूपराम। रूपराम, ननपुरा के ही रहने वाले हो आप? हाँ, ननपुरा का। तो आज पहली बार आए ऐसे 2000 रोहन में या इससे पहले भी शामिल हुए? पहले आते रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो इस बार देख रहे हैं। अच्छा,
मतलब पहली बार आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे देश के अंदर कुछ हो रहा हुआ है। आप बताओ जी, आपको कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव ही मनाया जा रहा, ऐसा कभी नहीं लगा आपको जैसा आज दिखाई दे रहा? यहाँ माहौल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ। आपका नाम जी? कुलवीर। अच्छा, तो पहली बार ही शामिल होने आए हो या इससे पहले भी कई बार हो चुके हो? पहले भी आया हूं, मगर अब की बार बहुत अच्छा। अब की बार काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लग रहा है जी, बदलाव दिखाई दे रहा है कुछ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। राम राम जी, ठीक हो? कैसा लग रहा है ये अमृत महोत्सव आज? बढ़िया लग रहा है। क्या करती हो आप? आंगनबाड़ी में हो आप? मैडम नमस्ते, क्या नाम जी आपका? सपना। आप क्या करती हो? टीचर हो? टीचर हो आपको? तो जैसे आप ने पहले भी 15 अगस्त मनाए गए, 26 जनवरी भी हर बार मनाया जाता है, पहले में और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? इस बार अच्छे से मनाया जा रहा है, मतलब कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? किस तरह का मतलब? ये फोन है, ये काफी बड़ा बनाया गया है। अच्छा, काफी लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। ठीक है जी, व्यवस्था भी अच्छी है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। आप क्या करती हो? फुलवाड़ी नलाती हो, तो अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसा अब जा गया। जैसा इस बार हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखा दिया जो ग्राम पंचायत ननुपुरा है उसी के स्कूल में, और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और चल रहे हैं किसी दूसरे स्कूल के, और आपको वहाँ नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी लोग थे और डीजे भी बज रहा था, और कुछ इन्होंने जो है वो मेहमान हैं उनको आमंत्रित किया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं था, तो जिसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। तो यहाँ से हम चलते हैं दूसरे स्कूल में और वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं।